नमस्कार। लोकसभा चुनाव से पहले संसद के बजट सत्र का आज राष्ट्रपति मुर्मू के भाषण के साथ आगाज हो गया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि नए संसद भवन में यह उनका पहला संबोधन है और यहाँ एक भारत श्रेष्ठ भारत की महक है। दुनिया भर में गंभीर संकटों के बीच भारत सबसे तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था है। आपको बता दें कि वर्तमान लोकसभा का ये आखिरी सत्र है। जब चुनाव का समय निकट होता है तब पूरा बजट नहीं रखा जाता, इसलिए केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण चुनाव से पहले अंतरिम बजट पेश करेंगी और जब नई सरकार कार्यभार संभालेगी तो उसके बाद पूरा बजट पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इस सत्र के पहले ही दिन अपने भाषण में विपक्ष से सहयोग की अपील भी की है। इस बजट से पहले एक खास बात निकल कर आई है और वो ये कि विपक्ष के 14 निलंबित सांसदों को अब उनका निलंबन रद्द करके शामिल होने के लिए कह दिया गया है, यानी सभी 14 सांसद शुरू हो रहे इस बजट में भाग ले पाएंगे। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदस्यों के निलंबन रद्द करने का फैसला किया है। हालांकि सदन की विशेषाधिकार समिति ने इन्हें विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का दोषी ठहराया था। राज्यसभा के जिन सदस्यों का निलंबन रद्द हुआ उनमें जेबी मेथर हिमाश, एल हेनुमंतिया, नीरज डांगी, राजमणि पटेल, कुमार केतकर, जीसी चंद्रशेखर, विनय विश्वम, संतोष कुमार, पीएम मोहम्मद अब्दुल्ला, जॉन बिट्रास और ए रहीम शामिल है। सूत्रों का कहना है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 3 सदस्यों यानी अब्दुल खालिफ, के जे कुमार और विजय वसंत का निलंबन रद्द किया। ये तीनों कांग्रेस के सदस्य हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंगलवार को कहा था कि इन सांसदों के संदर्भ में सरकार के आग्रह पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सहमति जताई थी। दोनों सदनों में कुल 146 विपक्षी सांसदों का निलंबन हुआ था। इनमें से 100 लोकसभा सदस्य और 46 राज्यसभा सदस्य शामिल थे। इनमें 132 सांसदों का निलंबन शीतकालीन सत्र के लिए किया गया था, लेकिन 14 सांसदों के मामलों को दोनों सदनों की विशेषाधिकार समितियों के पास भेज दिया गया था। लोकसभा और राज्यसभा ने मिलकर 132 सांसदों को 21 दिसंबर को समाप्त हुए शीतकालीन सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित किया था और इन 14 सांसदों का मामला संबंधित विशेषाधिकार समिति को भेजे जाने के बाद से आज यहां पर उनका निलंबन रद्द कर दिया गया है। आज से शुरू हुआ ये बजट सत्र 9 फरवरी तक चलेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए क्लिक इंडिया पर। नमस्कार।